हेलो एवरीवन, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको जो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम लोढ़ा क्राउन कोलशेत है। इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है ये थाने एरिया में लोकेटेड है। माजीवाड़ा जंक्शन से विद इन 5 मिनट में यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, किसने लैंड पार्सल पर ये पूरा बना है, यहाँ पे सैम्पल फ्लैट कैसा है, इस प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पे क्या एमिनिटीज है, ये हम लोग आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 4 एकर्स के लैंड पार्सल पर पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपके सिर्फ 4 टावर आने वाले हैं। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जो प्लस पॉइंट है वो 60% आपको ओपन स्पेस आपको मिलने वाला है। इसमें अभी जो टावर नंबर 1 है ये सिर्फ 1 BHK का है, ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। अभी जो टावर 2 है ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, ये भी आपको G+23 स्टोरी का टावर है। इसका जो पोजीशन है ये आपको अक्टूबर 25 में आपको पोजीशन मिलने वाला है। यहाँ पे जो टावर 3 है ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसका आपको अपडेट बाद में आने वाला है। और जो टावर 4 है ये आपका सिर्फ 2 BHK का पूरा बिल्डिंग है, ये भी G+23 स्टोरे का है और इसका जो पोजीशन है ये आपको डिसम्बर 24 में मिलने वाला है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। आपको इस लोकेशन में और लोढ़ा ग्रुप के साथ ये प्राइसिंग में आपको फ्लैट और कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो प्राइसिंग है ये 1 BHK का जो प्राइसिंग है 59 लाख ऑल इंक्लूसिव में आपको 1 BHK फ्लैट मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो 2 BHK फ्लैट है इसका जो ऑल इन प्राइस है वो 99 लाख में आपको ऑल इन प्राइस में आपको 2 BHK फ्लैट मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको यहाँ पर फ्लैट मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। यहाँ से जो ठाणे स्टेशन है वो 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है, जो माजीवाड़ा जंक्शन है वो 5 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है, यहाँ से जुपिटर हॉस्पिटल जो है वो 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है, विवियाना मॉल जो है वो 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है, यहाँ पर DAV स्कूल जो है वो 8 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है, लोढ़ा स्कूल जो है वो भी आपको 8 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और जो रिटेल्स है ये सब आपको नियर बाय लोकेशन में आपको मिलने वाले हैं। तो ये पूरा कनेक्टिविटी है। अभी मैं आपको हमारे जो एक्चुअल सैंपल फ्लैट है मैं आपको सैंपल फ्लैट शो करता हूँ, आइए। तो ये इस प्रोजेक्ट का 2 BHK सैंपल फ्लैट है। इसका जो कारपेट एरिया है वो 530 का कारपेट एरिया है। तो अभी हम लोग जो खड़े हैं ये हमारा लिविंग रूम है, आप लिविंग रूम में देख सकते हो। बिल्कुल बैक साइड में आपका ये सोफा के लिए आपका स्पेस है, बिल्कुल सामने आपका TV यूनिट के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। इस फ्लैट का जो प्लस पॉइंट है वो अभी आपको इस फ्लैट में आपको डेक भी मिलने वाला है और जो दोनों बेडरूम है आपके ये दोनों बेडरूम है या मास्टर बेडरूम आपको मिलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको हमारा जो बालकनी है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये आपका बालकनी एरिया है, यहाँ पे आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हो, ये पूरा आपको बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको हमारा जो किचन एरिया है वो शो करता हूँ, आइए। आप जैसे लिविंग से आप बाहर आते हो तो राइट हैंड साइड में आपको डाइनिंग का स्पेस दिया हुआ है, तो ये आपका डाइनिंग स्पेस है, यही से आपको सामने आपको किचन एरिया दिया हुआ है, आइए। तो ये पूरा आपका किचन एरिया है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, राइट हैंड साइड में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपका सर्विंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऊपर दोनों साइड देख सकते हो, एज इट इज़ आप ऐसे ही आपका किचन डिज़ाइन कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस है, राइट हैंड साइड में आपको फ्रिज के लिए भी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको हमारा जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम है वो शो करता हूँ, आइए।
तो ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बेड डाल के एग्जैक्ट आपको कितना स्पेस मिल रहा है ये आपको शो किया गया है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको ये वार्डरोब के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एज इट इज वार्डरोब कर सकते हो। तो यही पर आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आने वाला है और आपका जो मास्टर वॉशरूम है वो अभी आपको मैं शो करता हूँ, आइए। तो ये पूरा मास्टर वॉशरूम है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम में दिया हुआ है। जो भी आपको फिटिंग्स हम लोग दे रहे हैं ये सारे स्टैंडर्ड फिटिंग्स है, फुल हाइटेड आपको टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा मास्टर वॉशरूम है, अभी मैं आपको हमारा जो सेकेंड मास्टर बेडरूम है वो शो करता हूँ। अभी इस फ्लैट में आपको जो प्लस पॉइंट है ये हम लोग आपको इंटरनल एमिनिटीज़ में आपको एक एसी हम लोग आपको देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 2 BHK में एसी यहाँ पे आपको लोडागुरु प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर भी आपको बेड डाल के एग्जैक्ट स्पेस आपको बताया हुआ है। यहीं पर आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो फुल हाइटेड विंडो है, तो यहीं से आप अगर राइट हैंड साइड में जाते हो तो आपको टीवी यूनिट के लिए स्पेस मिलता है, तो ये आपका एज इट इज़ आप टीवी यूनिट कर सकते हो। यहीं पर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक वार्डरोब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका पूरा एज इट इज़ आप वार्डरोब स्पेस कर सकते हो। तो अभी मैं आपको हमारा जो मास्टर वॉशरूम है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारा मास्टर वॉशरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस हम लोगों ने दिया हुआ है। तो अभी इस पूरे फ्लैट का 2 BHK का पूरा वॉक थ्रू हो चुका है, अभी मैं आपको हमारा जो 1 BHK फ्लैट है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का 1 BHK फ्लैट है, इसका जो कारपेट एरिया है वो 322 का कारपेट एरिया है। तो अभी हम लोग इस फ्लैट के लिविंग रूम में खड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सोफा सेट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपका टीवी यूनिट के लिए प्रोविजन है। आप यहीं पर अगर बैक साइड में देखोगे तो आपको फुल हाइटेड विंडो आपको मिल रहा है, इस विंडो को आप ऊपर से ओपन भी कर सकते हो, तो आपको पूरा व्यू आपको पूरा ओपन मिलेगा। तो ये हमारा पूरा फुल हाइटेड विंडो है। तो आप यहीं पर अगर लिविंग में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 3 लोग का डाइनिंग का स्पेस आप कर सकते हो, तो ये आपका पूरा डाइनिंग स्पेस है। अभी मैं आपको हमारे जो किचन एरिया है वो शो करता हूँ, आइए। आप अगर जैसे ही फ्लैट में एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये किचन का स्पेस आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको एल टाइप आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पर आपको एक सिंक दिया हुआ है। आप ऊपर अगर दोनों साइड में देखोगे तो एज इट इज़ आप आपका मॉड्यूलर किचन ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये आपका फ्रिज का स्पेस है और यहीं पर आपको वॉशिंग मशीन का भी स्पेस दिया हुआ है। आप जैसे ही किचन से आप बाहर आते हो तो राइट हैंड साइड में आपका कॉमन वॉशरूम आपको दिया हुआ है, तो आप कॉमन वॉशरूम एक बार देख लीजिए। अभी मैं आपको हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये 1 BHK का मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट आपको कितना स्पेस मिल रहा है ये हम लोगों ने आपको शो किया है। आप यहीं पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो फुल हाइटेड विंडो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये पूरा ऊपर से ओपन होता है, तो आपका व्यू हमेशा आपको पूरा ओपन व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो यही से आप अगर सामने देखोगे तो यहाँ पे आप आपका टीवी यूनिट कर सकते हो। यही पर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो काफी अच्छा स्पेस आपको वार्डरोब के लिए मिल रहा है। तो यही से आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको मास्टर वॉशरूम दिया हुआ है, तो आप मास्टर वॉशरूम एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी हमारा पूरा 1 BHK फ्लैट का वॉक थ्रू हो चुका है। अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के पूरे एमिनिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ में आपको स्विमिंग पूल विद डेक दिया हुआ है, जिम है, किड्स प्ले एरिया है, ओपन पार्टी लॉन है, आपको रिटेल शॉप्स है और बाकी के जो भी एमिनिटीज़ है वो हम लोग आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट का एमिनिटीज़ है। आपको नॉर्मली आपको यहाँ पर मेन एरिया में आपको इतने सारे एमिनिटीज़ कोई भी डेवलपर नहीं देता है, तो आपको ये एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो प्राइसिंग है मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 1 BHK आपको 59 लाख में ऑल इंक्लूसिव है। यहाँ पे जो 2 BHK फ्लैट है ये आपको 99 लाख में ऑल इन प्राइस में आपको 2 BHK फ्लैट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे रेट में आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ हमेशा बने रहिए तो आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।